मुरादाबाद से बड़ी खबर, मामूली बारिश से जलमग्न हुआ अस्पताल परिसर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को हो रही परेशानी, शिकायत के बाद भी नहीं सुधरे हालात। अस्पताल स्टाफ भी जलभराव की समस्या से परेशान। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल में भरा पानी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल है। कुंदरकी क्षेत्र स्थित होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल का मामला। दिक्कत क्या है, यहाँ जब ये सड़क बनी थी तो उस समय लोगों ने जो है इसमें पाइप नहीं डलवाया पानी निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ सोखता था। अब पाइप ना डलवाने की वजह से जो है ये जो पानी यहाँ बढ़ जाता है, पानी भरने जाएगा मरीज भी और हम भी जो है सब पानी में होकर निकलते हैं। दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो मरीज छोटे बच्चे हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और आए दिन जब बारिश होगी तब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। कितने हॉस्पिटल हैं यहाँ? यहाँ पर दो अस्पताल हैं, एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और एक राज्य होम्योपैथिक चिकित्सालय। अधिकारियों को अपडेट कराया कभी आपने इस बात से? जी, उनको अपडेट कराया, मतलब भाई ये जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि बिल्डिंग उनकी है इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। ये चाहते हैं कि साहब इसमें जो है यहाँ जो है पानी की समस्या हल हो जाए, पानी ना भरे जिससे कि जो पेशेंट को और हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो।